खबर टिहरी जिले के भिलंगना विकास खंड से आ रही है, जहां प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने घुत्तू क्षेत्र के कई गांवों में आपदा से हुए भारी नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने कहा कि घुत्तू क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बादल फटने से किसानों के मकान और जमीन को भारी नुकसान हुआ है। इससे ग्रामीणों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आपदा के मानकों में बदलाव किया जाए। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में आपदा के मानकों के तहत दी जा रही राहत राशि आपदा प्रभावितों के लिए अपर्याप्त है। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये गवाना मल्ला है, इनके आपका शुभ नाम क्या है? कमल सिंह जी का मकान पूरी तरह से, चौहान जी का मकान पूरी तरह से टूट गया है और इनकी गाय दबी हुई, यहाँ पीछे बैल और गाय दबी हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि मकान की एक छत की जो एक यूनिट मान रहे हैं, इस नियम में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे यहाँ 10-10, 12-12 कमरे के मकान और उनके पिता नहीं हैं, पुत्रों के नाम पर हैं, और उन सबको अगर एक ही 1,30,000 या 2 लाख रुपए दिया जाएगा तो ये बहुत कम है, इसलिए मानकों में परिवर्तन करना पड़ेगा। फसल क्षति का 85 रुपये पर नाली दे रहे हैं बड़े स्तर पे। ये भिलंगना विकास खंड टिहरी जनपद का खेती प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के लोग खेती पर निर्भर हैं और इनकी ज़मीनें नष्ट हो गई है, और अगर उनको यहाँ जो ज़मीन दब गई, कट गई, उसका 940 रुपये मिलेगा, ये बहुत कम है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि मानकों में परिवर्तन करें, और कई गाँव यहाँ विस्थापन करने के लिए बहुत ज़रूरी है।